माय गॉड। और भाई ओ का हाल बा? अभी हम घूम रहे हैं, देखो पहाड़ी इलाका। मतलब विदेश से पहाड़ नहीं होता ना, विदेश से बहुत पहाड़ होता भाई साहब। देखिए कितना सारा पहाड़ है, इधर ही पहाड़, वो उधर भी पहाड़ दिखना है, सब पहाड़ी पहाड़ी है यार। ठीक है, पहाड़ है, कैमरा है, अगर वगैरह वगैरह सब कुछ है यार। अब हम निकल रहे हैं अपने रूम पे। ठीक है, जो मेरा काम होना था काम भी नहीं हुआ, और सब क्या बोले यार, सब फेल हो गया मामला। क्या करूँ, फेल हो गया तो फेल होने का क्या मतलब है सर, फेल हो गया फेल हो गया, देखा जाएगा। चली गई नी तू मजा लूटे। अब भाई साहब आप सबको बता दूं, अब आएगा चढ़ाई। अब चढ़ाई बोले तो बहुत ऊंचा है। ठीक है, हाँ इतना ऊंचा है पूछिए मत भाई साहब। मेरा ये मानना है, अगर परिवार को चलाना है और परिवार को खुश देखना है तो यहाँ पे आइए, और आप भी खुश रहोगे, परिवार तो खुश रहेगा रहेगा, लेकिन आप भी खुश रहोगे भाई साहब। हमारे दोस्त आप कमाओ, अच्छे से पैसा कमाओ, आपके पास अगर पैसा है सब कुछ आप सभी को माँ बाप सब कोई पूछेगा। पैसा अगर है ही नहीं तो दोस्त क्या घर वाले नहीं पूछेंगे, दोस्त की बात की बात है। देखिए अभी पहाड़ आ गया। ठीक है, विदेशों में पहाड़ नहीं होता, पहाड़ तो बहुत है यहाँ पे। हाँ पहाड़ का खदान है, खदान। और जहां से निकलता है पेट्रोल, उस एरिया में हम है। ठीक है, गाड़ियां चल रही है दोस्त, मेरी भी गाड़ी जिस काम से मैं आया था ना। अब वो मैं एक बार आया तो हमारा काम हो गया था, 700 रुपया लगा हुआ था। ठीक है, 700 रुपया लग गया था। अब तो मैं 2 महीने पहले आया था, काम करा के चला गया था। ठीक है, अब मेरे मालिक की गाड़ी में जो था, क्या नंबर प्लेट था ना, वो हवा की वजह से मैं घूम कहीं गया, गए थे उनको माँ भाई सबको लेके, तो वहीं पे वो नंबर प्लेट गिर गया। नंबर प्लेट आने में 2 महीने लग गए। अब फिर वापस गया तो वो बोल रहा है कि अब फाइन देना पड़ेगा, 350 रियाल, समझ जाओ। तो मैं फिर अपने फोन किया मालिक के पास, बोला ऐसा ऐसा बोल रहा है, उसने बात किया। फिर उसने मेरे को बोला, अब एक काम कर तू घर चला जा, मैं दूसरे आदमी से बात करता हूँ। मुझे एक बार दिया था 700 रुपया। ठीक है दोस्त, इसके लिए मैं घर जा रहा हूँ, मेरा जो काम था वो हुआ नहीं। देखिए ये नज़ारा जो देख रहा है, ये नज़ारा ही सही है, तो नज़ारा अभी सुनो। मैं गाड़ी अपना लेके आया, एक बंदा बिना यहाँ चलना वहाँ चलना है, मैं क्या बोला, नहीं नहीं दोस्त मेरे पास गाड़ी है, मैं नहीं जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है चले जाऊँ उसके लिए अपनी गाड़ी से। तो वही काम अगर मेरा मालिक किया था पहले तो अब आज फाइन नहीं लगता। अब 300 का मतलब, 350 का मतलब हो गया 6-7-8 हज़ार रुपया लगभग हो जाएगा।
700 पहले, लगभग 15,000 रुपये पहले दे दिया था, ठीक है। अब क्या करेगा, कितना पैसा देगा बंदा, मेरे तो समझ से भाई बाहर है। मैं तो बोलता है मत ही बनवा, जाने दे, छोड़ दे, उसकी मर्जी से क्या करता है। ये देखिए पहाड़ी इलाका आ गया भाई साहब, ये पूरा पहाड़ है, देख रहे हो, ये पहाड़ को तोड़ करके रोड को बनाया गया है, ठीक है। अब ये कलाकारी है, समझो, है ना, यहाँ की सरकार इतनी अच्छी है ना, गाड़ी तो चल रही है 80 पे, गाड़ी का मसला नहीं है, ये मसला रोड का है। देखिए कितना खतरनाक खतरनाक पहाड़ है। हम अपने इस रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा बंदा आएगा अपने रोड चला जाएगा। फिर इसको पार करने के बाद आता है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट वाला इसी मार्बल बनता है, मतलब पहाड़ को ऐसे पेंट कर दिया है मार्बल के जैसा, मार्बल दिखता है, मतलब मार्बल है, नहीं बता रहा हूँ सबको, मार्बल भी रहेगा यहाँ पे, मार्बल पैदा होता जहाँ पत्थर रहता वहाँ पे, ये पत्थर नहीं है, पत्थर भी है, सब कुछ है, मिक्स है, मिट्टी पत्थर सब कुछ मिला हुआ है। 90 का आ गया स्पीड का, 80 पे चल रहे हैं हम, पहाड़ियों के बीच से हम गुजर रहे हैं। वो जो व्हाइट वाला बता रहा, देखिए वो पेंट किया हुआ, ठीक है। आगे अपना आया था चेक पोस्ट, चेक पोस्ट पे गाड़ी भी चेक होती है, लेकिन क्या करेंगे भाई, आप लोग एक बार जरूर आओ इस देश में, इस कंट्री में, कुछ नहीं सही, 2-4 महीना रह के देख लो कैसा है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है भाई, मैं सुकून से हूँ, मेरा मालिक अच्छा है, ठीक है। अगर मालिक अच्छा मिल गया तो आदमी बन जाएगा, ठीक है, पैसा भी देगा, सब कुछ देगा तुम्हें, सब कुछ फैसिलिटी भी देगा, ठीक है, कितना अच्छा रहेगा, परिवार भी अच्छा उसका रहेगा, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, कुछ लोगों में जा बोलेगा जा चले जाओ, मुश्किल है, ठीक है दोस्त। हम उसको तो हम पार कर लिए, इतनी ऊंचाई चढ़े, कम से कम 100 फुट ऊंचाई होगा उसका, धीरे धीरे करके। चलो दोस्त, दुआओं में मुझे भी याद रखना, ताकि मैं आपका कभी हेल्प कर सकूं, ठीक। मेरे से जो होगा भाई हेल्प तो कर सकता हूँ, इन्हें हेल्प नहीं करूँगा, ठीक है, ओके बाय।